टाइम एवर पाकिस्तानी फूड ब्लॉगर इन इंडिया, वेरी एक्साइटेड। ये खाऊं सलाम नमस्ते सत श्री अकाल भाई जान, क्या हाल है। तो पहला प्रॉपर जो ब्रांडेड फूड रिव्यू है वो आने लगा है, और ये है जी हल्दीराम, बड़ा फेमस ब्रांड है, देखा होगा आपने। तो हल्दीराम का मैं रिव्यू बना रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे, आपका रिव्यू लेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सजेशन कीजिएगा, दोबारा भी आ सकता हूँ मैं। तो खाते हैं पीते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसा है, आ जाए मेरे साथ। ऑर्डर कर दिया भाई फूड, तो ऑर्डर अब फूड अब टेबल पे जाते हैं, इस तरह ऑर्डर करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे काउंटर है, तो यहाँ बहुत सारी आइटम्स हैं, आप मेन्यू में देख सकते हैं। तो अब अपनी टेबल पे जाते हैं और फिर एक एक चीज़ टेस्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें इस तरह का होता है यहाँ पर, इस तरह का पूरा स्टोर। तो टेबल पर जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं और कैसी लग रही हैं। वो बहुत एक्साइटेड हूँ यार मैं, हल्दीराम का बहुत नाम सुना है लेकिन खाया नहीं है मैंने कभी। तो ऑर्डर जब आएगा सर्व होगा दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखो भैया, इनकी बहुत सारी मिठाइयों की, बिस्किट की, हर चीज़ की वैरायटी है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारी चीज़ें हैं, निम्को शिमको बहुत चीज़ें, कुछ भी खा सकते हैं आप। तो ये बहुत बड़ा स्टोर है, ये देखें क्या क्या चीज़ है। लो भाई खाबा आ गया यार, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो सबसे पहले क्या खाएं भाई, सबसे पहले हम खाएंगे मसाला डोसा। अच्छा ये होता क्या मैं बता दूं आपको भाई, ये बड़ी सी ये डोसा ये होता है, और मसाला इसको कहते हैं जो आलू होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं मसाला डोसा। इसके यहाँ डिफरेंट चटनियाँ मिलती हैं, तो यहाँ से मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ लाइफ। ओए होए होए, इस तरह लगाएंगे। और ये कोकोनट चटनी यार देखने में इतनी यम्मी लग रही है, खा के देखते हैं। कमाल यार, मैंने बाहर दुबई में ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े डोसे खाए हैं, अभी तक ये मेरा पहला डोसा है इंडिया में, बहुत फिट है, बहुत फिट है। इसके साथ खा के देखते थोड़ा, दोनों का अपना अपना टेस्ट है, ये अलग है ये अलग है, बहुत डिफरेंट है। और अब मेन ये सांभर, पता नहीं क्या चीज़ है, खा के देखते हैं, थोड़ा आलू बनाएंगे, सांभर में लगाएंगे और अब खाएंगे। यार अनबिलीवेबल, जो वेज फूड यहाँ पे है ना दुनिया में कहीं, मतलब इंडिया में कह रहा हूँ, कमाल हो गया यार। तो डोसे को मैं अब तक, क्योंकि मेरा पहला इंडिया में डोसा है, 10 out of 10। लो भाई भल्ली पापड़ी, ये मशहूर वो चीज़ें जो हमारे यहाँ नहीं मिलती, भली पापड़ी टेस्ट करते हैं यार। प्रेजेंटेशन चेक करें यार, ओए 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 चेक करो ये बड़ा, ओए ओए। तो ये छोटे छोटे बल्ले हैं, पापड़ी सब मिक्स है, अनार दाने टाइप, अनार डाले हुए, लिटरली अनार डाले हुए, ये देखें खाते हैं फिर आपको रियल रियल रिव्यू देते हैं। जितना यमी आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा है, परफेक्ट यार, पापड़ी का क्रिस्प और ठंडी दही, परफेक्ट चटनियाँ, और एंड यार एंड मैं एक और खाता हूँ फिर आपको फाइनल रिव्यू देता हूँ। ये पापड़ियाँ थोड़ी बड़ी डाली हुई है, आप तोड़ सकते हैं, कमाल है।
बेस्ट दही बड़े या बली पापड़ी एवर। बाकी मैं बाद में खाऊंगा तो उससे कंपेयर करेंगे, आज तक जो लाइफ में खाई है वन ऑफ द बेस्ट, हल्दीराम हाईली रिकमेंडेड। अच्छा जी, ये भाई भेलपुरी आप देख सकते हैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं खाने लगाऊँ लाइफ में। बहुत सुना है, मैं तो रास्ते से जा रहा था यार, वही 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 है। देखते हैं वो क्या बातें ही बनी हुई थी, क्या है यार इसमें छोटे छोटे से ये पीसीज हैं, ये देखें ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये भेल कहते हैं क्या कहते हैं, बोले मिक्सचर ऑफ सो मैनी थिंग्स। तो चले खा के देखते हैं बता। लेकिन मेरे जेहन में टेस्ट नहीं था, मैं पता नहीं कैसी होगी, तो जैसी भी है एक पहली दफा खाया, पहली दफा एक टेस्ट किया, अच्छी है लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है शायद जो मैं पर्सनली, मेरा अपना ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है कि मैं कहूँ कि यार मैं दोबारा खाने जाऊँगा वहाँ लेकर चलो यार, नहीं। अगर तो ये अच्छी है, मतलब मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा होता, मैं ये ज़िंदगी में पहली है और दोबारा अगर टेस्ट करूँगा तो फिर कंपेरिजन कर सकता, मुझे नहीं पता था। ये देख सकते हैं इसमें निम्को सी, ये पता नहीं आलू चाट क्या है, ये क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं पता, प्याज व्याज गाली भी है, तो रॉ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है बेसिकली। स्पाइसी है, मीठी चटनी भी है, मिक्सा ही नाम है, ठीक है। 7 out of 10 डोसा, 10 out of 10 बड़े, 10 out of 10 7 out of 10। अब एक और चीज मैंने ऑर्डर की है बड़ी मजे की, दिखाता हूँ। हाँ जी, पानी आ गया मुंह में भाई, ये देखो ऐसे फुलाया हुआ जिस तरह हवा भरी हुई, लेकिन ये नेचुरल है, ये भाप नहीं कर रही, क्या बात। मैंने बड़े छोले भटूरे खाए हैं, हमारे साथ भटूरे चने कहते हैं, सब जानते हैं, वहाँ पर छोले नहीं कहते, यहाँ पे छोले का बड़ी यूज होता है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वो नहीं रग्बी की बॉल होती है, कसम से वो लग रही है, लेकिन ये भटूरे हैं, ट्रस्ट मी, ये देखो भटूरे। लेकिन देखते हैं क्या बनावट में इतने अच्छे हैं, खाने में नहीं है। तो ये देखें आप, इनके चने डिफरेंट तरह के, हमारे नहीं होते ऐसे डिफरेंट तरह के, ये बड़ी थिक सी ग्रेवी है और चने हैं। अब खा के टेस्ट करते हैं, साथ कच्ची प्याज देते हैं, हम कहते हैं रिकमेंडेड है, खानी चाहिए, तो कच्ची थोड़ी सी प्याज देंगे। ये यार बहुत फ्लफी है यार, बहुत सॉफ्ट है ये, देखना, और ऑयल नहीं है यार, ये देखो ऑयल ही नहीं है, देख सकते हैं आप, पता नहीं किया तो फिल्टर लगाया हुआ है क्या किया हुआ, इससे डालेंगे। ये ज़्यादा मज़ा इसका अपना ही है। तो जी खाते हैं पहले छोले भटूरे इन इंडिया। क्या कहूँ, एक और चीज है भाई, वो नहीं है जो हम गाते रहे, वाह। एक और खाऊंगा तो रिव्यू दूंगा, ये ना इंसाफी है कि मैं एकदम बता दूंगा, एक और। अब प्याज के बगैर क्या, मैं देखना चाह रहा हूँ प्याज के साथ कॉम्बिनेशन में टेस्ट था या इसमें ज्यादा टेस्ट है, ये बहुत अलग के चने हैं यार, वो नहीं है जो हम खाते, ये कोई और चीज़ है, मसाले वसाले सब अलग है, पता नहीं क्या है, ये लेवल है। अगर मैं छोले भटूरे का नंबर दूं 20 out of 10 तो 10 एक्स्ट्रा पूरी प्याज लो, कमाल हो गया। ये खाऊं डोसा खाऊं, समझ नहीं आ रहा। यकीन करें कम से कम 20-25 चीज़ों का यहाँ पे स्पेशलिटी है, क्या क्या खाएं, तो ये भी ये खाते हैं, कभी फिर आएंगे, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप हमें खाने दें और अपना ख्याल रखें, आंटी जी
आप तो खाती रहती हैं। ओ भाई आप आपकी वीडियो देख के भाग जाते हैं। खुदा का वास्ता यार, सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अगर और चीज़ें देखनी है। अच्छा भाई, बहुत ज़्यादा पेट भर गया, खा लिया पी लिया, और आपने रिव्यू देखा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई अगर पसंद आई है तब भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें, नहीं पसंद आई तब भी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट कर दें क्या पसंद नहीं आया, और अगली दफ़ा मैंने क्या चीज़ एक्स्ट्रा करनी है। अपना और आसपास वालों का ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ।